हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग सीपीसी के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है मीन प्रॉफिट, अंतरकालीन लाभ, मध्यवर्ती लाभ। बहुत अटपटा लगता है ना, लेकिन बहुत आसान है। आइए देखते हैं सीपीसी के सेक्शन 212 में, ठीक है ना। सेक्शन 212 सिविल प्रोसीडर कोड के 212 में इसको परिभाषित किया गया है। मीन्स प्रॉफिट, MESME है, एक लैटिन शब्द है, लेकिन इसे मीन बोलते हैं, ठीक है ना। मीन प्रॉफिट हिंदी में मध्यवर्ती लाभ या अंतकालीन लाभ कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सीपीसी के 212 में क्या कहा गया है। सीपीसी के 212 में कहा गया है कि संपत्ति के अंतकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं, मतलब वे लाभ अभिप्रेत हैं जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्तियों को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों, या जिन्हें वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धि के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आते। तो फ्रेंड्स, ये तो परिभाषा दी हुई है, ये थोड़ी कठिन लगती है। अब इसको बिल्कुल सरल शब्दों में समझते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि अंतकालीन लाभ जो है या फिर मध्यवर्ती जो लाभ है वो अचल संपत्ति पर है, ठीक है ना। और अचल संपत्ति पर बेकब्जा करते समय, मतलब जब हम अचल संपत्ति से किसी को बेकब्जा, मतलब किसी और ने मेरी संपत्ति पर मान लीजिए कब्जा कर लिया है और जब मुझे उसे हटाना है, उस समय हम इसका प्रयोग करते हैं, अंतकालीन लाभ का उस समय प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, देखिए क्या है, संपत्ति पर अंतकालीन लाभ से अभिप्रेत है क्या, ब्याज सहित, मतलब वो जो लाभ होगा, वो जो रकम होगा वो ब्याज सहित होगा, मतलब उसमें ब्याज भी रहेंगे। वो कौन पैसे रहेंगे, ऐसी संपत्ति सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति। सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति मतलब जो अवैधानिक तरीके से, ठीक है ना, जो इलीगली हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए है, मतलब वैधानिक रूप से, लीगल तरीके से वो उस पर कब्जा नहीं है, वो इलीगल तरीके से, अवैधानिक रूप से जो मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए है, ठीक है ना, जो कब्जा किए हुए है व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हो, मतलब यदि कोई व्यक्ति मेरी प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती अवैधानिक तरीके से कब्जा किए हुए है और वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त करता है, ठीक है ना, लाभ प्राप्त करता है, तो वही लाभ जो है वो अंतकालीन लाभ कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए, सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों, मतलब जो सदोष कब्जा रखे हुए हैं उस प्रॉपर्टी से उस व्यक्ति को जो लाभ प्राप्त होता है, ठीक है ना, या जिन्हें वो मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था, या फिर मामूली तत्परता से मतलब थोड़ी मेहनत करके वो प्राप्त कर सकता था, उस लाभ को ही हम अंतकालीन लाभ कहेंगे। किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति, मतलब लेकिन यदि वो व्यक्ति जिसने अवैधानिक तरीके से कब्जा किया है द्वारा की गई अभिवृद्धि के कारण, ठीक है ना, यदि उसने कोई ऐसा कार्य, निर्माण कार्य किया है, ठीक है ना, जिसके कारण उस प्रॉपर्टी में अभिवृद्धि हुई है, वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, उसे हम अंतकालीन लाभ नहीं कहेंगे। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा खेत है, ठीक है ना, वो खेत मेरा है, लेकिन किसी व्यक्ति ने अवैधानिक तरीके से उस पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। जब उस पर उसने कब्जा कर लिया है तो जब मैं उसको हटाऊंगी वहां से कि हटो ये मेरा खेत है, हटो ये मेरा खेत है, तो उस खेत से जो उसे प्राप्त हुआ, ठीक है ना, मामूली तत्परता से, देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है ना, यहाँ पे लिखा है मामूली तत्परता, इसे सम्यक तत्परता भी बोलते हैं, मतलब थोड़ी तत्परता से, मान लो उसने उस खेत में कुछ काम किया और उसने खेत में बहुत सारे फसल आए, तो उससे जो उसको प्रॉफिट हुआ, साथ ही ब्याज सहित उसका ब्याज भी, ठीक है ना, जो पैसे मिले उसका ब्याज हुआ, उसके साथ ही मैं उसको प्राप्त करने की अधिकारी हो जाऊंगी, मतलब जब मैं उसे बेकब्जा करने का दावा करूंगी कि तुम यहां से हटो, तो साथ ही में मैं अंतकालीन जो लाभ है, मीन प्रॉफिट है, मैं उसकी भी अधिकारी रहूंगी, मतलब उस व्यक्ति ने जो उससे प्राप्त किया है, मतलब जो मेरे खेत से जो भी धन अर्जित किया है
और उसका ब्याज, ठीक है ना, जो धन अर्जित किया है और उसका साथ ही ब्याज भी वो पाने की मैं अधिकारी रहूंगी। इसे ही अंतरकालीन लाभ कहते हैं। और इसकी दूसरी पंक्ति में देखिए क्या लिखा है कि जो उसके अंतर्गत अभिवृद्धि के कारण, ठीक है ना, सदोष कब्जा किए हुए व्यक्ति के अभिवृद्धि के कारण। मान लीजिए कोई एक मेरा सुंदर सा घर है, ठीक है ना, उस सुंदर सा घर है, उस घर में वो रेंट पे रह रहा है, मैं उसको रेंट से हटने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन वो हटता नहीं है, ठीक है ना, हटता नहीं है। उसने क्या किया कि हमारे घर के एक और जो रूम है, ठीक है ना, उस रूम को उसने फिर से रेंट पे लगा दिया, फिर से उसने उस पे किराया पे लगा दिया, उप भाड़े पे लगा दिया, और उप भाड़े से उसे रकम मिल रही है ना। तो जब मैं उसे हटाऊंगी तो साथ ही बोलूंगी कि तुमने जो उप भाड़े पे जो लगाया है उससे जो तुमको भाड़ा मिला उसे ब्याज सहित मुझे दो। यही है अंतरकालीन लाभ, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यदि मान लो उस घर में उसने क्या किया कि एक और अपने से कमरा बनवाया, एक सुंदर सा कमरा बनवाया और उसको भाड़े पे लगा दिया, मतलब उसने निर्माण कार्य किया, वो मेरा घर नहीं है, जिसने वो बनाया, मतलब जिस रूम को वो बनाया वो मैंने नहीं बनाया था, उसने ही बनाया, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जिस चीज की अभिवृद्धि उसने की, ठीक है, और उस अभिवृद्धि से वो लाभ प्राप्त कर रहा है, मतलब जो निर्माण कार्य उसने किया, मतलब जो एक्स्ट्रा रूम उसने बनाए और उस रूम से जो वो किराया ले रहा है उस पे मेरा अधिकार नहीं होगा, उसे हम अंतरकालीन लाभ की श्रेणी में नहीं रखेंगे। इस प्रकार फ्रेंड्स अंतरकालीन लाभ या मीन प्रॉफिट से मतलब क्या हुआ कि ऐसी संपत्ति पर सदोषपूर्ण कब्जा किए हुए व्यक्ति के द्वारा, ठीक है ना, सम्यक तत्परता या मामूली तत्परता से यदि कोई वो लाभ प्राप्त करता है तो उस लाभ का ब्याज के साथ ही लाभ जो होगा वो प्राप्त करने का, और उसे ही हम अंतरकालीन लाभ कहेंगे, ठीक है, उसे ही हम अंतरकालीन लाभ कहेंगे। इसके अंतर्गत वो लाभ नहीं आएगा जो सदोषपूर्ण कब्जा किए हुए व्यक्ति की अभिवृद्धि के कारण हुआ है ना, सदोषपूर्ण कब्जा किए हुए व्यक्ति के निर्माण कार्य के कारण हुआ है, उस लाभ को उसके अंतर्गत नहीं रखेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि इस दो एग्जाम्पल के द्वारा आप आसानी से जान गए होंगे कि अंतरकालीन लाभ किसे कहते हैं। अंतरकालीन लाभ मतलब किसी ने किसी की संपत्ति पे अवैधानिक तरीके से कब्जा कर लिया है, ठीक है, तो जब उसे उस कब्जे से उसे हटाना है, तब वह व्यक्ति उस कब्जे के हटाने के साथ साथ इस चीज का भी दावा करेगा कि तुमने जो मेरी संपत्ति पे कब्जा किया है उस संपत्ति से तुमको जो भी लाभ प्राप्त हुआ है ब्याज के साथ मुझे लौटाओ। इसे ही हम कहते हैं अंतरकालीन लाभ। और जो उसके निर्माण कार्य से उसने अपना कुछ कंस्ट्रक्शन किया उससे जो उसको फायदा हुआ हम उसके अधिकारी नहीं रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको मीन प्रॉफिट अंतरकालीन लाभ क्या है समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।